अहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे भाइयों, अच्छा मुसलमान और अजीम लोग तकलीफ़ों को बाद बर्दाश्त करते हैं और माफ़ कर देते हैं। क्यों? मेरे नबी से बड़ा अजीम हस्ती, अजीम शख्सियत और मेरे नबी से बड़ा मुकाम मर्तबा कौन होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भर तकलीफ़ें बर्दाश्त की, कभी किसी को अपनी ज़ात के लिए जवाब नहीं दिया। गालियां सुनी, शायर मजनून कहा गया, सुना ओझड़ी डाली गई, पत्थर मारे गए, घर से बेघर कर दिया गया, मक्का मुकरमा से मुल्क बदर कर दिया गया, लेकिन मेरे नबी ने कभी किसी को उफ तक नहीं की। यहां तक कि आपके घर वालों पर इल्जाम लगाए गए, मेरे दीदो, मेरे नबी ने काफिर को जवाब देना पसंद नहीं किया, तो हम मुसलमान को बर्दाश्त नहीं करते। तो ये पैगाम है मेरे नबी का मुसलमान के लिए, अगर तुम मुसलमान बनना चाहते हो तो मुसलमान के लिए पहला सबक ये कि बर्दाश्त करो, तकलीफ का बदला, बुराई का बदला अच्छाई से दो। एक बदू आया, उसने तकलीफ पहुंचाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें डर नहीं है? उसने कहा, नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? मैं जानता हूं आप बुराई का बदला कभी बुराई से नहीं देते, अच्छाई से देते हैं, इसलिए मुझे यकीन है। इसलिए यही मुसलमान का काम है मेरे अजीजों। मैं आपको एक पहलवान का सुनाता हूँ, पाकिस्तान का, रुस्तों में पाकिस्तान, बोलो पहलवान। वो एक जगह से गुजर रहे थे लाहौर में, तो कोई थोड़ी सी बात पर रेड़ी वाले से कोई बात होगी, रेड़ी वाले ने उठाया बाट 2 किलो का, पटक के दे मारा, जहां लगा और खून रिसना, खून निकलना शुरू हो गया, तो चुप करके चल दिए, उसकी तरफ देखा नहीं, गाली नहीं, गुस्सा नहीं, बात नहीं, देखा तक नहीं। साथ चेले थे और उनके मुतालिकीन थे भोले पहलवान के, जो कि रुस्तों में पाकिस्तान था, इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा पहलवान था वो उस वक्त। तो किसी शागिर्द ने कहा, उस्ताद क्या मजरा है, आपने उसको जवाब नहीं दिया, हमें इजाजत दे, हम इसकी टिका बोडी कर दें। कहने लगा, देखिए मैं उसको सिर्फ इशारा भी करूंगा तो गिर जाता, वो मर जाता, थोड़ा सा पंच लगाता, थोड़ा सा उसको मुक्का मारता, वो जान से चली जाती, लेकिन वो मुझे मार दे इसकी कोई वो नहीं है, कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं उसको मारूं, मैं एक पहलवान हूं पूरे पाकिस्तान के, एक कमजोर पर हाथ उठाऊं, मुझे ये गवारा नहीं है कि कमजोर बंदा मेरे मुकाबले में और मैं उसको मारूं, इसलिए मैंने उसको माफ कर दिया, मुझे परवाह ही नहीं है उसने क्या मारा है, मुझे कितनी तकलीफ दी है, कितना खून निकाला है। मेरे दीदी, मुसलमान तो ऐसा ही होता है कि मुसलमान का खून निकाल दिया जाए, उसकी हड्डी तोड़ दी जाए, उसे सबके सामने शर्मी वो तकलीफ पहुंचाई जाए, फिर भी मुसलमान परवाह नहीं करता, निकलता है ऐसे, चूंकि मेरे नबी की सुनत ये है, मेरे नबी को तकलीफें पहुंचाई गई मक्का मुकरमा में, मदीना मुनवरा में, मुड़कर नहीं पीछे देखा, ना किसी का जवाब दिया, ना किसी को गाली दी, ना किसी के लिए बद्दुआ की, चंद मौकों पर बद्दुआ की, काफरों के लिए हम मुसलमान को बद्दुआ देते हैं, काफरों को बद्दुआ की चंद मौकों पर जिंदगी में 63 साल में, उसके लिए भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आखिर में अल्लाह जिनके लिए मैंने बद्दुआ की थी मेरी बद्दुआ को उसको उनके लिए दुआ में तब्दील कर दे। आइए हम अपने नबी का पैगाम सुने, अमल करें और इसको पहचाने।